अगर ये दिखाना है तो जिम में थोड़ा इसको पतला करना पड़ता है। हम बोले इसको कि जल्दी सा ले जाएगा चाहिए, तो उसे भी धीरे मधुरी चाल चलने लगा। मधुरी चाल बारिश हो गई है इसलिए तो तुम लोग अच्छा बने हैं। दो स्वतंत्रता सेनानी यानी दो सीनियर सिटीजन्स को छोड़कर ऊपर मैं गई थी नीचे अपने सोसाइटी में। मामा जी सो रहे हैं, शायद थक गए हैं कल ट्रैवलिंग से, तो फिर नीचे नहीं जाओ। मैं सोच रही थी कि नीचे भी बच्चे प्रोग्राम करेंगे तो लेकर जाओ, तो छुपा लो। अगर ये दिखाना है तो जिम में थोड़ा इसको पतला करना पड़ता है, इतना हो तो इसको छुपाना पड़ता है। कहाँ बच्चा करेगा, तुम बर्तन कहाँ रहे? बारिश में नहीं, पीथी पे जहाँ पे अपना पार्किंग है। अच्छा लग रहा है मम्मी साड़ी, ब्लाउज अच्छा सिला है ना, पिन नहीं लगाई हो जा, ये ऐसा आया धीरे धीरे कि कटिए गया। हम बोले इसको कि जल्दी सा ले जाएगा चाहिए, तो उसे भी धीरे
माधुरी चाल चलने लगा। माधुरी चाल। हेलो बेटा, तैयारी यानी कि प्रिपरेशन कितना इम्पोर्टेंट है ना। तैयारी, हर चीज की तैयारी। अगर खाना खाना है तो खाना बनाने की तैयारी, अगर कहीं जाना है तो तैयार होने की तैयारी, कपड़ा कुछ अच्छा पहनना है तो उसे भी तैयार करना पड़ता है। और आज यही तैयारी मैं देख रही हूँ। सुबह से सब लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, फ्लैग होस्टिंग के पहले की तैयारी मुझे उस जगह पर लेकर गई कि हम हर चीज़ की कितनी तैयारी करते हैं ना। खाना खाने के पहले सिर्फ तैयारी ही तो होती है, तो काटो पीटो पकाओ और फिर 10-20 मिनट में खाना ख़त्म कर लो। तैयारी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम पूरे दिन किसी ना किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। अब देखो ना, पार्टी भी करते हैं तो पार्टी के पहले कितनी सारी तैयारियां होती हैं। लिस्ट बनाओ, कपड़ा डिसाइड करो, वेन्यू डिसाइड करो, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हम तैयारी में थकते हैं और फिर पार्टी हो जाता है, उसके बाद फिर जीरो, सन्नाटा। तो मैंने रियलाइज किया प्रोसेस बहुत ज़रूरी है एंजॉय करना, और मैंने वही मंत्र पकड़ा हुआ है। प्रोसेस अगर एंजॉय किया तो डेस्टिनेशन तो आया राम और गया राम होता है। आपने कभी ऐसा गौर किया है क्या? तो इस इंडिपेंडेंस डे को मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जीवन को थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ, या ये कहूँ कि थोड़ा थोड़ा जीवन को समझ रही हूँ कि इस जीवन को कैसे जीना है। हाँ हाँ, मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ, तैयारी। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो या फिर एक्टिंग की तैयारी कर लो, किसी भी चीज की तैयारी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मामा जी, आपका रईस आपको दिखा कर देंगे, हमको आपका अंदाजा नहीं है, माँ का अंदाजा है। चश्मा देख, चश्मा लगा ये तुम आ जा। नहीं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के थाली में से उठा उठा के खाओगे। मिर्च की लड़ाई खाए कितना जीरो कम अभी दे रहा। चटनी लीजिएगा, चटनी हाँ चटनी थोड़ा। पानी दे मामा जी। माँ देख रही है, आँखों देखी, मैंने भी आधी देखी, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। और मामा जी थोड़ी देर देखे उन्होंने, फिर उन वो टिकते नहीं हैं टीवी के सामने। तो माँ और हम दोनों प्लान कर रहे थे यार, बिना पॉपकॉर्न के फिल्म मज़ा नहीं आ रहा। फिर माँ ने कहा और चाय, मैंने कहा तुम फिल्म देखो, मेरी बहुत बार देखी हुई है, मैं बना कर लाती हूँ। तो पॉपकॉर्न और चाय प्लान है। पर यार मुझे ना ये वाली नहीं आती बनानी, ट्राई करती हूँ। बजना क्या बंद कर दे, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। इन ट्रबल हो गया तो बंद तो तुमको आता है करना, दबाओ गोल वाला। हाँ एक तो हो गया। हाँ। एक सोच रहे थोड़ा नमक और काली मिर्च डालते हैं, उसमें कुछ नहीं डाले थे। तुम हट जाओ नहीं तो हम तुमको जला देंगे। नहीं, नहीं। बस नहीं।
जल भी गया मम्मी। तो जल छोड़ के घर में होते तो कैसे बनाते हैं मम्मी? ये वाला जो होता है वो वाले से अलग होता है। तुम समझती हो मैं वो वाला कौन सा बोल रहे हैं माँ? हाँ जी, इसमें तेल मीठा रहता है। हाँ वो इजी रहता है। ये चावल दाल खा रहे थे तो चश्मा ढूंढ रहे थे और बिस्किट मेरा चश्मा नहीं खा रहे। गाइस तो दिन ख़त्म, पैसा हजम। मैं सो गई थी और सबके आगे पीछे घूम चुकी हूँ कि प्लीज़ सो जाओ। न मामा जी सोए हैं, न माँ सोई है, सिर्फ मैं रिटायर्ड हुई हूँ। मैं ही इस घर में सिर्फ रिटायर्ड पर्सनैलिटी हूँ, बाकी ये दोनों बच्चे हैं इस घर में। तो इन दोनों बच्चों को मैं नहीं समझा पाई, आप लोगों को समझा रही हूँ। हमारे वीरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बात मानिए, ठीक है? नींद में हूँ गाइस, कल मिलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू एंड